सो गाइस फाइनली अपने पास आ गई है हिमालयन, सो लेट्स चेक दिस आउट। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फाइनली अपने पास आ गई है हिमालयन टेस्ट राइड के लिए और आज इसी के ऊपर एक व्लॉग बनने वाला है, एक वीडियो बनने वाली है कि किस तरह से हिमालयन राइड कंडीशन में मुझे पसंद आती है और किस तरह से ये बिहेव करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ अपने फर्स्ट राइड रिव्यू का और फर्स्ट इम्प्रेशन का। तो देखते हैं दोस्तों ये राइड कितनी लंबे होने वाली है और किस तरह का इम्प्रेशन मुझे इस बाइक के साथ आने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस हिमालयन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो अपना पहला मैं पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि जो राइड पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो हैंडल बार की पोजीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ब्रॉड है और आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा राइड पोस्चर इस गाड़ी के साथ मिलने वाला है। सो ट्रैफिक से निकालने में तो कोई इशू नहीं हुआ दोस्तों और हैंडलिंग इज़ रियली गुड, जो राइड पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आई होप कि जो कैमरा एंगल है वो भी अच्छा आ रहा होगा क्योंकि जो कैमरा एंगल था अकॉर्डिंग टू माय क्लासिक के अकॉर्डिंग मैंने उसको सेट किया हुआ था और अभी आई थिंक कैमरा एंगल ठीक ठाक आप लोगों को आ रहा होगा। सो गाइस ब्रेकिंग इज़ रियली गुड, सीट हाइट इज़ रियली गुड अकॉर्डिंग टू माई हाइट। मेरी हाइट जो है 5'10" है और ये स्टॉक हाइट इस वक्त है 825 mm और मुझे ये सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू माई हाइट और इससे जो राइड का राइड पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। सीट इज़ रियली गुड बट इट्स अ बिट हार्ड बट फॉर मी इट्स गुड। अगर आप लोगों को चेंजेस करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, एसेसरीज के तौर पर भी आपको नए सीट का ऑप्शन मिल जाएंगे और आफ्टर मार्केट तो ऑप्शन ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएंगे। ब्रेकिंग की बात हो गई, ब्रेकिंग इज़ गुड रियली गुड। अभी मैं बाइक को जो कोई ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं लेके जाऊंगा, इसके कोई टॉप स्पीड में अभी चेक नहीं करने वाला हूं। अभी मैं जो बाइक को समझूंगा चलाऊंगा और जो मुझे इससे फीडबैक आ रही है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और जो पावर डिलीवरी है दोस्तों डेफिनेटली इट्स रियली गुड, आप जब थ्रॉटल ओपन करते हो तो गाड़ी भगती है। अभी देखिए मैं ईजिली 6th गियर पर 65, 70, 80 की जो स्पीड है मेंटेन करके चल रहा हूँ। अगर मैं यहीं से थ्रॉटल देखता हूँ, आप देखिए इस वक्त मैं 6th गियर पे 73 पर, अब मैं यहीं से थ्रॉटल देता हूँ, ये देखें गाड़ी भगती है, पावर डिलीवरी इज़ रियली गुड, पावर है बाइक में दोस्तों। और वो डेफिनेटली जब आप थ्रॉटल को ट्विस्ट करते हैं ना वो आपको फील होता है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद द पावर और पावर डिलीवरी जिस तरीके से ये गाड़ी कर रही है और बिल्कुल भी कहीं से कहीं कोई लैग नहीं है, कोई इंस्टॉलिंग का एनीथिंग नथिंग, पावर की डिलीवरी में कोई लैग नहीं, इट्स रियली गुड, इट्स क्वाइट लीनियर। वही डिलीवरी आपको 2nd गियर में महसूस हो रही है, वही पावर डिलीवरी आपको 4th गियर में महसूस होगी और वही पावर आपको 6th गियर में महसूस होगी जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, अपना थ्रॉटल ओपन करेंगे। अभी सस्पेंशन की बात मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, अभी फ्लैट सरफेस पर हम गाड़ी चला रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग सस्पेंशन इज़ रियली गुड, स्पेशली फ्रंट वाला इट्स वर्किंग रियली गुड। तो दोस्तों बाइक इज़ रियली नाइस, चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना तो आई कैन फील दैट। लेट्स गो। तो गाड़ी 100 कब टच कर लेती है दोस्तों पता नहीं लग पाता है और 60, 70, 80 की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सो की स्पीड में भी कहीं से कहीं तक आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलने वाली है, ना ही हैंडल पर, ना ही फुटपैक पर, ना ही आपके पेट्रोल टैंक पर, ना ही आपको ग्रिप पर, कहीं से कहीं भी आपको कोई वाइब्रेशन
देखने को नहीं मिलने वाली है। और आज जो हवा जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, अगर आपको मेरी वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज हवा ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है न्यू हिमालयन 450 को चलाने में। आप चाहे 450 कहिए या 452 कहिए, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन दिस मशीन इज़ रियली गुड दोस्तों, दिस मशीन इज़ रियली गुड। अब बात कर लेते हैं मीटर की। अभी प्रॉपर सनलाइट है और मीटर देख लीजिए पूरी तरह से विजिबल है, कम्प्लीटली HD मीटर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है दोस्तों। तो डिस्प्ले की विजिबिलिटी में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है हार्श लाइट कंडीशन में, और सब कुछ प्रॉपर विजिबल आपको यहाँ दिख रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी फॉन्ट को पढ़ने में कोई इशू आ रहा है या कुछ विजिबल आपको प्रॉपरली ना हो रहा हो। तो मीटर इज़ लुकिंग रियली गुड और सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको इसमें मिल ही रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स इज़ टोटली स्मूथ, कहीं कोई जर्क नहीं है, कहीं कोई लैग नहीं है, कुछ गियर कहीं अटक रहे हैं या टाइट चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स टोटली स्मूथ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन की स्पेसिफिकेशन आप जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। 450 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि 40 bhp की पावर जनरेट करता है 40 Nm टॉर्क के साथ। और इंजन इज़ रियली स्मूथ और पावर डिलीवरी इतनी शानदार है दोस्तों इसकी, तो हर एक गियर में आपको महसूस होता है। इस इंजन को दोस्तों बिल्कुल भी कम मत समझिएगा, इसके अंदर आपको भरपूर पावर मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ इस बाइक के, चाहे आप इसको मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन कहिए, फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस कहिए, जिस तरह से गाड़ी बिहेव कर रही है, जिस तरह से इस गाड़ी से फीडबैक मिल रहा है, इट्स रियली गुड, माइंड ब्लोइंग। और अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें लगा है 17 लीटर का पेट्रोल टैंक, और जिसकी जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक पर्पसफुली शेप इसको बनाई हुई है। जब आप इस पर बैठेंगे तो आपको ग्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और चाहे आप इसके ऊपर सैडलिंग करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक ग्रिप मिलने वाली है। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा है इस गाड़ी को चलाने में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। अपनी तरफ से तो मैंने सारे पॉइंट जो है इस गाड़ी के बारे में कवर कर दिए, अगर मैंने फिर भी कुछ मिस कर दिया तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यही सब कुछ था आज के इस वीडियो में हिमालयन 450 की फर्स्ट राइड इंप्रेशन और फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस के बारे में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी, और आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।